अपनी लोकप्रिय गजलों से सभी के दिल में अपनी जगह बनाने वाले महान गजल गायक जगजीत सिंह की आज जयंती है। जगजीत सिंह ने 150 से ज्यादा एल्बम बनाई, फिल्मों में गाने भी गाए, लेकिन गजल और नज्म ने उन्हें अद्वितीय लोकप्रियता दिलाई। जगजीत सिंह भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी आवाज का जादू आज भी दिलों में कायम है। उनके गाने जब भी बजते हैं, लोग बिना गुनगुनाए रह नहीं पाते हैं। जीवन परिचय। जगजीत सिंह का जन्म 8 फरवरी 1941 राजस्थान के गंगानगर में हुआ था। पिता सरदार अमर सिंह धमानी भारत सरकार के कर्मचारी थे। जगजीत जी का परिवार मूलतः पंजाब के रोपड़ जिले के दल्ला गांव का रहने वाला है। मां बच्चन कौर पंजाब के ही समरल्ला के उट्टालन गांव की रहने वाली थी। जगजीत का बचपन का नाम जीत था। उनकी शुरुआती शिक्षा गंगानगर के खालसा स्कूल में हुई और बाद में पढ़ने के लिए जलंधर आ गए। डीएवी कॉलेज से स्नातक की डिग्री ली और इसके बाद कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से इतिहास में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया। दिसंबर 1969 में सिंह ने सिंगर चित्रा से शादी कर ली थी। वे चित्रा के दूसरे पति थे। करियर। गंगानगर में ही पंडित गच्छन लाल शर्मा के सानिध्य में 2 साल तक शास्त्रीय संगीत सीखने की शुरुआत की। आगे जाकर सैनिया घराने के उस्ताद जमाल खान साहब से ख्याल, ठुमरी और ध्रुपद की बारीकियां सीखी। बेटे की मौत से टूट गए थे सिंगर। चित्रा और जगजीत सिंह के बेटे विवेक की 20 साल की उम्र में ही सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। इस वजह से जगजीत और उनकी पत्नी काफी दुखी रहने लगे थे। जगजीत सिंह को उम्र भर अपने बेटे की मौत का दर्द सताता है। जगजीत सिंह के फेमस गजल। जगजीत सिंह के नाम 150 से ज्यादा एल्बम में गजल गाए हैं। झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, होश वालों को होठों से छू लो तुम, ये दौलत भी ले लो, चिट्ठी ना कोई संदेश, जगजीत सिंह की खास गजलों में से एक है। निधन। गजल के बादशाह कहे जाने वाले जगजीत सिंह का 10 अक्टूबर 2011 की सुबह 8 बजे मुंबई में देहांत हो गया। उन्हें ब्रेन हैमेज होने के कारण 23 सितंबर को मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। सम्मान और पुरस्कार। जगजीत सिंह को सन 2003 में भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। फरवरी 2014 में जगजीत सिंह के सम्मान व स्मृति में 2 डाक टिकट भी जारी किए गए।